शिवपुर से कांग्रेस विधायक बाबू सिंह चंदेल बाढ़ पीड़ितों को अनाज नहीं मिलने पर तहसीलदार पर भड़क गए। एक अफसर से वो तू तड़ाक वाली भाषा पर भी उतर आए और अधिकारी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। इस बीच तहसीलदार भरत नायक के सफाई देने पर विधायक चंदेल का पारा और चढ़ गया और उन्होंने कहा कि तू बार बार सरकार की धौंस देता है, जो हो सके कर लेना, जेल भेज देना, FIR दर्ज करवा देना। मामला बड़ौदा नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित वार्ड 15 के लोगों को 50 किलो अनाज नहीं मिलने से जुड़ा है। लोगों ने विधायक से अभी तक बाढ़ प्रभावित परिवारों को शासन की तरफ से मिलने वाला 50 किलो गेहूं नहीं बांटने की शिकायत की थी। विधायक ने बुधवार देर शाम तहसीलदार को फोन लगाया तो तहसीलदार ने सबको खाद्यान्न बांट दिया जाने की बात कही। इसी बात पर नाराज विधायक बड़ौदा पहुंचे और वार्ड 15 के बाढ़ पीड़ितों के सामने ही तहसीलदार को बुला लिया और खरी खोटी सुनाई। जाता इस वार्ड में है, अभी तक फोन नहीं गए, आप आकर खा चुके हैं नेता लोग। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भूखा मर जाए, अभी तक आटा नहीं। मैं आपके फूड ऑफिसर से बात करा दूं, आटा बटा ही नहीं है, आटा हमारा खा हुआ है। आप पूरा बच गए, तुम आइए खा ही करो, तुम लोग काम की गुलामी कर रहा है, तो बार बार कह रहा सरकार सरकार सरकार, क्या होती है सरकार, सरकार की बहुत देता ट्रांसफर को देख रहा, तो ट्रांसफर को देख रहा है नेता कहता ट्रांसफर कराते हैं उसे देख रहा, बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा रहा। उसने पूरी गंदगी पैदा कर रखी है। 1 अक्टूबर जाकर